स्कूल अपग्रेड करवाने को लेकर दूसरे दिन भी धरने पर बैठी राजगढ़ के राजकीय स्कूल की छात्राओं व उनके अभिभावकों को मनाने के लिए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रशासनिक अमले के साथ जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को धरना स्थल पर भेजा। मंत्री जी व जिला उपायुक्त द्वारा नॉमर्स पूरा करने के बाद स्कूल अपग्रेड करने की बात लिखती में देने के बावजूद भी छात्राएं व अभिभावक नहीं माने और उन्हें बिना किसी नतीजे के बेरंग लौटना पड़ा। छात्राओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक निजी कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि उन्होंने जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को राजगढ़ में भेजा है, वो जो फैसला लेंगे उसे मंजूर कर लिया जाएगा। मगर छात्राएं अभी भी जिद पर अड़ी हैं कि जब तक उन्हें अपग्रेड का लिखती आश्वासन नहीं मिलता वो यहीं बैठी रहेंगी, क्योंकि यदि वे दूर स्कूल में जाना भी चाहे तो इनके माता पिता नहीं भेजेंगे और माहौल भी कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं इस संदर्भ में अभिभावकों का कहना है कि मंत्री जी और जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि स्ट्रेंथ और नॉर्मर्स पूरे होने के बाद स्कूल अपग्रेड कर दिया जाएगा। इधर जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों को लिखती आश्वासन दिया है कि बच्चों की संख्या पूरी होने के तुरंत बाद स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्रे की रिपोर्ट। हमें अपना स्कूल 12 तक चाहिए, हमें बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है। 10 के बाद हमारे मम्मी पापा बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए, इसलिए बहुत सारी बहनें हमारी घर पर बैठी है, इसलिए हमें 12 तक स्कूल चाहिए। लेकिन प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर आया हुआ, क्या आपसे कोई बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों के? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। हमारा स्कूल अपग्रेड हो क्योंकि है ना हमारे आने जाने में दिक्कत होती है, और हमारे स्कूल में हो जाए, हमारा स्कूल जो अपग्रेड हो जाएगा ना तो हमारे पेरेंट्स भी कहेंगे कि तुम यही पढ़ लो, बाहर भेजने के लिए कोई होता नहीं, कहता है कि माहौल खराब है, ये है वो है, कह रहे हैं कि एडमिशन करा लो। ऐसा होता है क्या कहीं पर? उनका मानना ये है कि जैसे लिस्ट बनवाओ, लिस्ट बनाने के बाद आप ये देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से कर लो। ये थोड़ी होता है कि आप एडमिशन कराओ उसके बाद हम आपको एडमिशन देते हैं। ये कौन सी है, मतलब कंडीशनल क्यों कर रहे हो? बिना कंडीशन करो ना, अपग्रेड कर दो। हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी उस विधायक वहाँ से विधायक है उनको सारी शक्तियाँ दे करके पूरा जिला प्रशासन वो श्री नरेश। क्या नाम आपका? ओमवीर सिंह। ओमवीर जी, अभी यहाँ पर प्रशासन पहुँचा, डीसी साहब पहुँचे, जन स्वास्थ्य मंत्री भी पहुँचे, क्या आश्वासन मिला उनसे? कुछ भी नहीं मिला। रिटर्न में दिया उन्होंने कि स्ट्रेंथ पूरी है, गलत दिया है। पूरी करने की बात आई है, स्ट्रेंथ पूरी करने के बाद इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा? नहीं होगा। अगर अगर हम अपग्रेड जैसे बच्चे की संख्या पूरी कर देते हैं, जब इनके बस क्या है, क्या अपग्रेड कर कैसे सकते हैं? जब रामविलास शर्मा के बिना इनके पावर क्या है इस पास? धरने पे बैठे थे बच्चे, तो उनको गांव वालों से हमने बात करके यही कहा है कि भाई जो नॉर्म्स हैं सरकार के 9वीं 10वीं क्लास में 150 बच्चे होने चाहिए, तो गांव वालों ने ये आश्वासन दिया है कि हम स्ट्रेंथ पूरा कर देंगे। अगर वो स्ट्रेंथ पूरा कर देते हैं तो हम स्कूल को अपग्रेड कर देंगे।